नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्महर्ट्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ कॉमनली यूज़ होने वाली एंटी अमोबिक मेडिसिंस के बारे में। एंटी अमोबिक मेडिसिंस क्या होती हैं दोस्तों? एंटी अमोबिक मेडिसिंस ऐसी मेडिसिंस होती हैं जो अमीबा के इन्फेक्शन को यानी अमीबियासिस को ख़त्म करने का काम करती हैं। अमीबा का इन्फेक्शन यानी अमीबियासिस आपके पेट में होने वाला इन्फेक्शन है, जिसमें आपके पेट में दर्द हो सकता है, मिचली आ सकती है, साथ में आपको पेचिस पड़ सकता है यानी कि डिसेंट्री हो सकती है, या फिर डायरिया की समस्या आ सकती है। तो ये सब पेट की समस्या अगर सामान्य रूप से आ रही है तो हो सकता है ये अमीबा की वजह से आ रही हो। तो यहाँ पर हम बहुत सारी एंटी अमोबिक मेडिसिंस यूज़ करते हैं। और आपको बता दें कि एंटी अमोबिक मेडिसिंस ज़्यादातर कॉम्बिनेशंस में आती हैं, यानी दो अलग अलग मेडिसिन साथ में आती हैं, पर यहाँ पर हम लोग प्लेन की बात करेंगे यानी सिंगल डोजेस की बात करेंगे, सिंगल मेडिसिन की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेडिसिंस का नाम और साथ में उसकी कौन कौन सी डोजेज आती हैं, उसकी ब्रांड कौन सी आती है, साथ में हम लोग देखेंगे इसकी डोज क्या होती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं पहली जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली मेडिसिन है, जो कि है दोस्तों मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल मार्केट में अलग अलग नामों से आती है, अलग अलग डोजेज में आती है। अगर हम डोजेज की बात करें तो ये 200 mg की टैबलेट आती है, 400 mg की टैबलेट आती है। इसके अलावा इसका 200 mg पर 5 ml का सस्पेंशन भी आता है बच्चों में यूज़ होने के लिए, और 500 mg का 100 ml का इन्फ्यूज़न भी आता है। ये तब दिया जाता है जब पेशेंट एकदम अनकॉन्शियस होता है या फिर उसे टैबलेट से वो सही नहीं हो सकता है तो इसे इन्फ्यूज़न दिया जाता है। दोस्तों मार्केट में ये मेट्रोजिल के नाम से आती है, सबसे ज़्यादा फेमस है, और फ्लैजिल के नाम से आती है, और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड होती हैं। अगर इसके डोज के बारे में बात की जाए तो इसे हम 400 mg की जो इसकी टैबलेट होती है वो दिन में 2 से 3 बार सीवियरिटी के आधार पर दे सकते हैं, और 7 दिन के लिए इसे दिया जाता है। वहीं मान लीजिए अगर इन्फ्यूज़न दे रहे हैं तो दिन में 1 या 2 हम इन्फ्यूज़न उसे दे सकते हैं, यानी 100 ml का जो इन्फ्यूज़न होता है उसे 1 या 2 सुबह शाम दिया जा सकता है। अब अगर बात करें दूसरी मेडिसिन के बारे में दोस्तों, तो दूसरी है टिनिडाजोल। टिनिडाजोल एक प्रकार की एंटी अमोबिक मेडिसिन होती है। ये अलग अलग कम्बिनेशन में आती है, जैसे टिनिडाजोल नारफ्लॉक्स के साथ में आती है, ओफ्लॉक्सासिन के साथ में आती है, लेकिन ये कई बार टिनिडाजोल अकेले भी आती है। तो टिनिडाजोल एक्चुअली ये खुद एक एंटी अमोबिक मेडिसिन होती है, एंटी हेलमेंटिक मेडिसिन होती है। तो इसका मार्केट में जो डोजेस होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो ये 300 mg में और 500 mg में टैबलेट के फॉर्म में आती है मार्केट में। इसके अलावा इसकी 1000 mg की DS टैबलेट भी आती है, यानी डिस्पर्जिबल टैबलेट भी आती है मार्केट में। टिनी के नाम से, टिनिबा के नाम से, ट्राइडाजोल के नाम से, टिनिविस्टा के नाम से आती है। डोज के बारे में बात करें तो इसकी 500 mg की जो टैबलेट होती है वो हम 2 बार सुबह शाम 5 दिन तक पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर आप 1000 mg की जो टैबलेट आती है डिस्पर्जिबल उसे आप दिन में 1 बार 5 दिन के लिए या दिन में 2 बार 3 दिन के लिए दे सकते हैं। तो ये अपना काम दिखा देती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है दोस्तों वो है ऑर्निडाजोल। ऑर्निडाजोल भी अकेले कम्बिनेशन में कम आती है, ये दूसरी मेडिसिन के साथ में आती है, जैसे ओफ्लॉक्सासिन के साथ में ऑर्निडाजोल सबसे ज़्यादा पॉपुलर होती है। तो ऑर्निडाजोल मार्केट में 500 mg की टैबलेट के फॉर्म में आती है, 125 mg पर 5 ml सस्पेंशन के फॉर्म में आती है बच्चों के लिए। वहीं ये 500 mg की 100 ml का इसका भी इन्फ्यूज़न आता है मार्केट के अंदर में। ये भी एक प्रकार की एंटी अमोबिक मेडिसिन होती है। मार्केट में ये डायजोलिक के नाम से आती है, जिसमें केवल ऑर्निडाजोल होता है। डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो एडल्ट में इसे हम 500 mg सुबह शाम 5 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो 500 mg की टैबलेट होती है वो सुबह शाम 5 दिन के लिए यूज की जा सकती है। दोस्तों अगली एंटी अमोबिक मेडिसिन आती है नाइटाजोक्समाइड। नाइटाजोक्समाइड मार्केट के अंदर में 500 mg की टैबलेट के फॉर्म में आती है, 200 mg की डिस्पर्जिबल टैबलेट के फॉर्म में आती है। इसका एक सीरप भी आता है जिसके 5 ml में 100 mg होता है। मार्केट में ये नाइटाक्योर नीजोनाइट के नाम से आती है। नाइटाजोक्समाइड भी अलग अलग कम्बिनेशन में आती है, जैसे ये नॉरफ्लक्स के साथ में आती है, कई बार ओफ्लॉक्सासिन के साथ में आती है, तो अलग अलग कम्बिनेशन में ये भी आती है। लेकिन अगर सिंगल की मैं बात करूँ तो इसकी जो डोज होती है वो एडल्ट के अंदर में 500 mg की टैबलेट दिन में 2 बार 3 दिन के लिए यूज़ करने की सलाह दी जाती है। अगर कोई भी पेशेंट 4 साल से कम का है तो उसे 100 mg की जो टैबलेट होती है वो BD दी जाती है, यानी सुबह शाम दी जाती है। और अगर 4 से 11 साल का बच्चा है तो 200 mg
बीडी देने की सलाह दी जाती है, सुबह शाम देने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर 11 साल से ज़्यादा का यानी एडल्ट है तो उसे हम लोग 500 mg की टैबलेट दे सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट दोस्तों है डिहाइड्रोएमिटिन इंजेक्शन। डिहाइड्रोएमिटिन एक प्रकार से इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। मार्केट में यह 30 mg/ml इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी जो डोज होती है वो होती है 1 mg/kg बॉडी वेट पर डे के हिसाब से पेशेंट को IM दिया जाता है। इसे हम 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। डिहाइड्रोएमिटिन तब यूज़ किया जाता है जब अमीबियासिस बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो इसके साथ में हम जब इसको इंजेक्शन देते हैं तो पेशेंट को ECG टेस्ट कराना होता है और साथ में पेशेंट को बेड रेस्ट लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले एंटी अमीबिक मेडिसिन के बारे में, जो कि आपके पेट से संबंधित समस्याओं के लिए यूज़ में आते हैं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हमारा हेल्थ मुखिया चैनल जरूर देखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।